तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं पुणे यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन को लेकर के। सेशन 23-25 के लिए जो फ्रेंड एडमिशन चल रहा है पीजी का, फ्रेंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका फ्रेंड जो कि लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है, कब तक फ्रेंड लास्ट डेट है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा फ्रेंड मैंने इससे पहले आपको पीजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे फ्रेंड मैंने जो कि तमाम वीडियो बना के आपको दिया हुआ है फ्रेंड, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम दिक्कत आता है फॉर्म फिल करने में तो आज जाके वहां दे सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां से भी आपको रिप्लाई देता रहूंगा फ्रेंड। तो मैं फ्रेंड आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि पीजी का जो कि लास्ट डेट कब तक गया है और क्या प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जो कि कॉलेज चूज करने में दिक्कत आ रही है या बहुत सारा का जो कि नाम गलत हो गया है। तो जो भी फ्रेंड इशू है बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आने वाला है कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। बाकी डिटेल्स भी फ्रेंड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पे डाला हुआ है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे आपको जो कि फॉर्म फाइनल सबमिट करना है, सारा डिटेल्स में डॉक्यूमेंट साइज क्या बनाना है सारा चीज फ्रेंड मैंने बताया होता है। अगर वीडियो नहीं देखा फ्रेंड आपको जो है कि आपको दिख जाएगा वीडियो फ्रेंड, आप चैनल पे जाकर के जरूर देख ले वीडियो, तो आपको जो है कि वहां से सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड आपको बता दूं लास्ट डेट की, तो देख सकते हैं फ्रेंड मैंने आपको पहले बताया था कि आप टेलीग्राम या जो कि व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं फ्रेंड वहां पे जो कि टाइम टू टाइम जो कि मैसेज से अपडेट कर देता हूं सभी कैंडिडेट को, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा समय लग जाता है फ्रेंड वीडियो बनाने अपलोड करने में। तो इसलिए फ्रेंड आप ग्रुप में जुटे रहेंगे तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यहां पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि पीजी पुणे यूनिवर्सिटी जो कि इसका जो फ्रेंड पीजी के लिए एमए एमएससी या एमकॉम जितने भी फ्रेंड कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसा कि आपका 20 तारीख से जो कि 30 तारीख तक लास्ट डेट रखा गया था, बट 31 को भी देख सकते लिंक एक्टिव रहा फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड आपको जो कि अब आज के डेट में नोटिफिकेशन जो फ्रेंड निकल के आया, तो देख सकते हैं फ्रेंड यहां पे बताया गया है कि आप जो है कि एमए एमएससी एमकॉम के लिए जो है कि ऑनलाइन अभी जो है कि आप 7 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, 7/11/2023 तक विस्तारित की जाती है नामांकन सूचना की प्रति। तो मैं फ्रेंड आपको क्लियर कर दूं कि आप सभी का फ्रेंड पीजी में एडमिशन के लिए डेट बढ़ चुका है, आप 7/11 तक आराम से इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर फ्रेंड किसी का भी कोई भी गलती हो गया, अगर पेमेंट नहीं किया तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तब जाकर फ्रेंड आपको नया नंबर नया ईमेल आईडी यूज करना होगा, बाकी फ्रेंड आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं फ्रेंड जो बता रहा हूँ फ्रेंड आप बस इसको ध्यान से सुनिए और समझे, तभी आपको फ्रेंड कोई भी परेशानी नहीं आएगा, खास करके पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी में एडमिशन लेने के लिए। फ्रेंड तो आप फ्रेंड यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन, या मेरे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में भी वहां पे भी मिल जाएगा, वहां से भी आप सारा चीज को देख सकते पढ़ सकते। तो 7 तारीख तक फ्रेंड आपका डेट बढ़ चुका है, आप आराम से फॉर्म को फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। वेबसाइट पे फ्रेंड आने के बाद जैसे आप जो एडमिशन वाले सेशन पे क्लिक करते, तो यहाँ से फ्रेंड आपको देख सकते हैं अप्लाई लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड आने के बाद जैसे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि मैंने पहले बता दिया अच्छी तरह से किसमें क्या फिल करना है। और आप सारा डिटेल्स को अच्छी तरह से फिल करने के बाद नाम मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड कैप्चा को अप्लाई डाल के फिल करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन करके आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं भी फ्रेंड जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिए, जिसका प्रॉब्लम आ रहा है या फिर जिसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहे जो नए भी कैंडिडेट है, तो मैं फ्रेंड आपको बता दूं पुणे यूनिवर्सिटी में अगर आप एक बार सेम मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड कर लेते जो बीए में, तो आपका फ्रेंड जो कि पीजी में भी वही नंबर वही रजिस्ट्रेशन आपका चलता है। तो आपको फ्रेंड ध्यान में रखना है कि आप सेम ही रजिस्ट्रेशन से आप जो है कि पीजी का भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं, तो सिंपली आप यहां पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं लॉगिन करने में अगर किसी भी तरह का परेशानी है, तो इनवैलिड यूजर नेम या इनकरेक्ट पासवर्ड जो भी बताते, तो आपको फर्स्ट क्या करना है कि आपको फॉरगेट पे क्लिक करना है, आपको फ्रेंड यहां पे अपना मोबाइल नंबर ही टाइप करना है। देख सकते हैं मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, टाइप करेंगे, यहां पे रीसेट वाले पे क्लिक करेंगे। रीसेट पे करने के बाद फ्रेंड क्या होता है कि आपका जो पासवर्ड होता है फ्रेंड वही पासवर्ड ही आपका ये पासवर्ड हो जाता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो आपको फिर यहाँ पे अपना सिंपली मोबाइल नंबर को टाइप करना है, अच्छी तरह से टाइप कर लेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड टाइप करेंगे, कैप्चा को टाइप करेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब फ्रेंड आप लॉगिन करते हैं तो देख सकते हैं आपको फ्रेंड इस तरह से, मैं फ्रेंड कुछ भी हाइड नहीं करूँ, तो इसलिए प्लीज फ्रेंड आप कुछ भी मिस यूज ना करें। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं आपको होम लॉग आउट और कैंडिडेट का नाम देखने के लिए मिल जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडिडेट ने जो कि फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, तो देख सकते हैं इसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ऑप्शन आ रहा है। आप फ्रेंड सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का, अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन करते न्यू कैंडिडेट, तो आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, सिंपली डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देख सकते हैं इसका फ्रेंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे लिखा गया। डॉक्यूमेंट्स में फ्रेंड क्या होता है कि जो फ्रेंड जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर जिसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, फ्रेंड उसको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देना है 300 KB के बीच में, और बाकी का फ्रेंड जो डॉक्यूमेंट्स है आने बाद सभी का बनता है, फोटो सिग्नेचर, 10 क्लास मार्कशीट, आपको 12 का मार्कशीट, ये सब सारा सभी के पास होता है, तो फ्रेंड ये सभी को अपलोड करना अनिवार्य है। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड कि आपको प्लीज अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लियरली फ्रेंड लिखा हुआ है हेडलाइन में रेड कलर में, तो आपको फ्रेंड सभी में अपलोड करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका मेरिट बनेगा। मार्कशीट में फ्रेंड ग्रेजुएशन का मार्कशीट में आपको पीडीएफ फाइल बना के अपलोड करना है 300 KB के बीच में। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आप जो है कि यहाँ पे होम पे आ जाएंगे, आपको फ्रेंड क्या करना है नीचे जाने स्क्रॉल करके, आपको कुछ भी डिटेल्स गलत लगता है फ्रेंड तो आप फ्रेंड यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जो आप अगर रजिस्ट्रेशन कर ले आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम, इसमें फ्रेंड देख सकते कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते, आपको अगर इसमें गलत हो गया तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना ही होगा।
होगा। पेमेंट अगर आपने नहीं किया तो फ्रेंड आप मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर पेमेंट नहीं किया तब जाकर के आप जो कि नया रजिस्ट्रेशन कर लें, नहीं तो फ्रेंड अगर पेमेंट कर दिए तो फिर आप वेट करें, आप यूनिवर्सिटी जाकर के सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको फ्रेंड क्या करना है, यहाँ पे एकेडमिक ईयर्स में डिटेल्स में फ्रेंड आना है। इसमें जो फ्रेंड है आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट को जैसे आपने इंटरमीडिएट का डिटेल्स फिल किया, ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल किया, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं आपने सारा डिटेल्स, जैसे ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करने के बाद आपको इस तरह से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो कि प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से फ्रेंड क्या होता है आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, जो भी फ्रेंड आपको सब्जेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड आपको यहाँ पे कॉलेज देखने के लिए मिलता है। तो आप फ्रेंड क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते इस कैंडिडेट ने अभी तक क्लियर नहीं किया डिटेल्स को सारा, इसलिए इसका ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे उसको प्रॉब्लम आता है। जब फ्रेंड आप सारा डिटेल्स को फिल करने बाद यहाँ जो आपको प्रॉब्लम आता है फ्रेंड, जैसे आपने कॉलेज सेलेक्ट किया यहाँ पे से आपको जो डिग्री बताना होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कॉलेज, तो कॉलेज में फ्रेंड क्या है कि आपको कभी कभी ऊपर नीचे करना पड़ जाता है कि आपको लगता है कि नहीं ये कॉलेज को पहले नंबर पे करना है और ये वाले को दूसरे पे, तो आप फ्रेंड यहाँ पे सिंपली डिलीट पे क्लिक कर दे, डिलीट कर देते। तो डिलीट करने के बाद फ्रेंड क्या करना होता है आपको फिर से सिलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड सिंपली यहाँ पे लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद फ्रेंड आपको वापस से लॉग इन होकर आएंगे तब जाकर के फ्रेंड आपका जो यहाँ पे सेवन नेक्स्ट आपको दिया हुआ है तब जाकर के फ्रेंड आपका यहाँ पे सेवन नेक्स्ट, जैसे देख सकते अभी नहीं हो रहा है तो इसीलिए फ्रेंड क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया, तो इसलिए फ्रेंड इस कैंडिडेट का जो कि थोड़ा सा मार्कशीट का प्रॉब्लम की वजह से इसका ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो आपको फ्रेंड ध्यान में रखना, अगर आपने पेमेंट नहीं किया अगर आपका 50% से प्लस है फ्रेंड तो आप इजीली जो है कि फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50% से अगर प्लस है तो आपका नाम भी आ जाएगा और कहीं भी परेशानी नहीं होगा। तो आपको फ्रेंड ध्यान में रखते हुए और अच्छी तरह से फॉर्म को फिल करना है। बाकी फ्रेंड डिटेल्स में समझने के लिए मेरे चैनल फ्रेंड वीडियो अपलोड है, आप जाकर के उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। मैं फ्रेंड इसमें आपको फिलहाल जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कैंडिडेट मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग फ्रेंड घबराए नहीं, आराम से 7 तारीख तक डेट है, आराम से फॉर्म को फिल करें। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करें फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। नया नंबर ईमेल आईडी यूज करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्यूमेंट्स में फ्रेंड ध्यान में रखना है, जनरल वालों को सिर्फ इतना ही करना है, आधार कार्ड को अपलोड कर देना है, बाकी जिसका फ्रेंड जो डॉक्यूमेंट्स बनता है आपको जरूर फ्रेंड अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड अगर उल्टा पुल्टा भी अपलोड करते हैं, अगर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट में इनकम कर देते हैं, इनकम में रेसिडेंटल कर देते हैं, तो फिर इस केस में आपका मैरिड नहीं बनेगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। इन केस हो सकता है कि नहीं बने तो आपको फ्रेंड ध्यान से पेपर को अच्छे से अपलोड करना है साइज बना के फ्रेंड। तो आई होप कि फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। डेट फ्रेंड देख सकते हैं आपका 7 तारीख तक कर देगा, नोटिफिकेशन आप जरूर चेक कर लेंगे। ज्वाइन अगर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन कर लें फ्रेंड, और चैनल पे नहीं तो फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं अपने चैनल पे हर एक एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता रहता हूं, वो भी टाइम टू टाइम। तो प्लीज फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी फ्रेंड पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी एमएससी एमकॉम करना चाहते हैं उसके पास फ्रेंड जरूर शेयर करें, जो भी फ्रेंड प्रॉब्लम आता है तो वो भी वीडियो देख करके समझ पाए कि कैसे उसको फॉर्म को फिल करना है। एक बार फ्रेंड चैनल पे जरूर विजिट करें, वहां पे आपको सारा टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें।